कि कभी कभी पूरी सभा में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि सही क्या गलत क्या है, एक व्यक्ति चौधरी बन जाता है, वो महान अपने आप को समझने लगता है ये तो गलत है, राइट। एक बार राजा ब्राह्मणों को बुलाता है भोजन के लिए अपने घर पर, 8-10 ब्राह्मण आते हैं भोजन को कराने के लिए, उनको सत्कार करते हैं, माला अर्पण करते हैं, चंदन लगाते हैं, बैठाते हैं, और रसोईया कुकिंग कर रहा है बढ़िया से, अच्छे अच्छे व्यंजन बना रहा है, मसाले डाल रहा है सुगंधित, ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो इतने में क्या होता है, एक चील बाज जो है एक छिपकली को खाने के लिए भोजन मरी हुई छिपकली को लेके जा रहा है, तो उसके यहाँ से छिपकली छूट जाती है और गिर जाती है वो भोजन के हांडी में जहाँ बन रहा, छिपकली में जहरीली होती है और बढ़िया से कुकिंग हो गया उसमें भी जहरीला हो गया और ब्राह्मण को खिला दिया गया, ब्राह्मण खाए और मर गए। अब ब्राह्मण मर गए तो ये हत्या एक प्रकार से, ब्राह्मण तो सुसाइड भी नहीं किए हैं और मृत्यु के समय भी नहीं था। तो यमदूत लोग किसको पकड़ के ले जाएं, बड़ा कंफ्यूज, बोलते हैं कि बाज को ले जाएं, कुछ नहीं गिराया। बोले उससे तो छूट गया था, उसको थोड़ी निशाना लेकर छोड़ा था उसने। हाँ तो रसोइयों को ले जाएं, ध्यान नहीं रखा। बोले रसोई तो कुकिंग कर रहे थे, इतने ओपन में ही करना पड़ता है ज़्यादा मात्रा में। बोले राजा को ले सकते, बोले राजा को तो पता ही नहीं है, तो किसको ले। यमराज बोलते हैं रहने दो, देखा जाएगा बाद में, देखते हैं। जो चीज़ का निर्णय नहीं लेते उसके लिए वेट एंड वॉच होना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं रुको, सोचो, विचारो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में गलत निर्णय होता। समय बीत गया, 6-7 वर्ष हो गए, अभी तक पकड़ा नहीं गया अभी कोई व्यक्ति, कोई पकड़ नहीं आ रहा कोई गलती किसकी। तो एक बार एक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए आता है उस राज्य में, तो सुबह का सुबह पहुंच जाता है, ब्राह्मण रहता है, तो एक स्त्री झाड़ू लगाते रहती है, बुढ़िया स्त्री रहती है, तो उससे पूछते हैं कि राजा का महल किस तरफ पड़ेगा। बोलते वो राजा जो ब्राह्मणों को मरवाया था वो तो उसका घर उधर है। यमराज जी बोलते पकड़ इस बुढ़िया को, इसको सारा थोप, इसी को थोप दो सारी गलतियाँ और हत्या का पाप। बोले ऐसे कैसे। बोले जो मैं निर्णय ले नहीं पा रहा हूँ, समाज निर्णय नहीं ले पा रहा है, ये एक चौधराइन है जो निर्णय ले ले कि राजा ही मारा है, तो इसको पर सारा थोप के ले आओ। तो ऐसा भी होता है जब निर्णय ले लेता कि कर्म का रिएक्शन किसको दिया जाए, तो जो व्यक्ति कमियाँ निकालता है, दोष निकालता है, उसको किया जाता है, उसको पता भी नहीं है क्या कर रहा है, इतनी खतरनाक चीज दोष निकालना, राइट। एक कोई महान व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो बहुत लोग गलत शिक्षा ले सकते हैं, दूसरा महान व्यक्ति गलत करता है तो कौन अधिकार दिया आपको चेक करने का, दोनों पॉइंट इसमें, दोनों शिक्षा है इसमें। एक उस महान व्यक्ति की दृष्टि से है और एक आम जनता की दृष्टि से। समझदार व्यक्ति महान व्यक्ति को गलतियाँ करते देखकर उसमें दोष नहीं देखता है, ये सोचता है कि गलती का कोई मुख्य कारण होगा। जैसे चैतन्य भागवत में कहा गया है कि यदि नित्यानंद को शराब के ठेके में देखते हो लाइन में खड़े हुए, तो ये नहीं सोचना कि शराबी है, हो सकता है प्रीचिंग करने गए हो, हमारा काम ही नहीं है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई व्यक्ति PhD का स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा हो, PhD में फेल हो गया, कौन सी क्लास में जाएगा। नहीं समझ में आया प्रश्न, ये कितनी उंगली है, कितनी उंगली है, ये तो बता दो भैया। अब बताओ PhD में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है स्टूडेंट, फेल हो गया एग्ज़ाम में, तो कौन सी क्लास में जाएगा। ये बोलो ना, PhD में जाएगा, राइट। और 5वीं क्लास का बच्चा हो वो पास होके कौन सी क्लास में जाएगा, 6 क्लास में, 6वीं क्लास में, सरल सी बात। और 6वीं क्लास में पास होके बोलो मैं तो पास हो गया, वो तो फेल हो गए, तो क्या कर रहा है वो, PhD वाले से तुलना कर रहा है अपनी, जबकि 5वीं क्लास में वो पता नहीं PhD कभी जिंदगी में कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन PhD वाले में कमी ढूंढ रहा है। यही हमारा काम है, हमारी स्थिति तो डामाडोल है, भक्ति के बैंड बाजा बजा पूरी तरह खराब हो चुका है, लेकिन हमारा जज ऐसे बनते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़े ब्रह्मा जी बन चुके हैं, जज बन चुके हैं, ऐसे होता है।
किसने अधिकार दिया आपको दूसरे की लाइफ में जजमेंट करने का? सिद्धांत बताते हैं। क्या सिद्धांत? एक्चुअली तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप कौन होते हैं सिद्धांत को स्थापित करने वाले? आपके पूरे सिद्धांत में परिपक्व है कि आपने अपने सिद्धांतों को सही ढंग से पालन किया है? अब 100% सिद्धांत को पालन करते हैं? जैसे ही बताते हैं, एक स्थान में बैठा हुआ था तो मैंने 2-3 भक्तों को देखा, वो ठीक से प्रसाद नहीं गिरा रहे थे। तो मैंने कहा कि देखो प्रसाद गिरा रहे हैं। तो फिर बगल वाले बोलते, प्रभु जी फॉल्ट फाइंडिंग है। तो बोला, आपने जो भी किया वो भी फॉल्ट फाइंडिंग है। मेरे अंदर मैं फॉल्ट ढूंढ रहा हूँ, ये फॉल्ट मेरे अंदर ढूंढ लिया आपने, राइट? मैं दूसरे में कमी देख रहा हूँ, मैं अंदर भी आप कमी देख रहे हो, तो इसका अधिकार किसने दिया? तो कमी देखने का अधिकार गुरु को होता है, अथॉरिटी को होता है, आपको नहीं है। आंख बंद कर लो ज़्यादा अच्छा है, सुरक्षित रहोगे। तो बोले प्रभु सुधार कैसे होगा? तो ठीक है, आप एक काम करो, तलवार लो, निकल लाओ, पूरे भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही, सॉल्व कर दो। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अधिकार किसको है? पुलिस को, सरकार को है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? कंप्लेन। वो भी हो सकता है गलत गड़बड़ हो, आपको पता है ना, आप कंप्लेन करोगे तो आपको पेशी में जाना पड़ेगा, और गलत हुआ तो आपको अंदर कर देंगे। मतलब यहीं पर पुलिस को बुला ली, पुलिस जी देखिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है, पता चला बातचीत हो रही होगी पति पत्नी में, बड़े खावा का परेशान कर रहा पुलिस को, तुम चलो जी 3 महीने के अंदर, राइट? तो पहले इसका स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम लोग देखें हमारी स्थिति क्या है। दूसरा स्टेप क्या है? अगर कुछ ऐसा असामाजिक कार्य हो रहा है जिससे समाज को नुकसान और को लग रहा है, तो उसको कन्फर्म करना चाहिए सही है कि गलत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ। दूसरा स्टेप, अगर वो भी बोलता हाँ हमें लगता है गलत है, तो हमें अथॉरिटी को बताना चाहिए, ना कि पब्लिक को। पब्लिक को बताने का मतलब क्या मालूम? आप ईर्ष्यालु हैं, जानबूझ के निंदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जो व्यक्ति निंदा कर रहा है ना, वो सांप के समान ईर्ष्यालु है, चाणक्य पंडित कहते हैं। याद रखना, सांप डस के चले जाए तो उसका मंत्र होता है, मंत्र जब मंत्र बुलाकर सांप का जहर उतारा जा सकता है। पर ईर्ष्यालु व्यक्ति जब डसता है, उसका कोई मंत्र नहीं होता, कोई इलाज नहीं उसका, इतना खतरनाक। ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दोष देखता है, उसको 24 घंटा ना दोष ही देखता है, उसके मुंह से अच्छा निकलते ही नहीं है, इतना कचरा भरा उसके अंदर में, विष है उसके अंदर है। सांप विष ही निकालेगा ना, अमृत थोड़ी निकालेगा। सांप के यहां पर मणि लगाओ, सांप के मणि होता नाग में, तो इसका मतलब क्या, झर नहीं निकालेगा। तो कई बार देखते हैं हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, हेल्प कर देते हैं, कुकिंग आती है, ड्रेसिंग आती है, माला बनाना आता है, तो आप इसका मतलब महान नहीं हो गए। आपकी महानता पता चलेगी ईर्ष्या की कमी से। ईर्ष्या कर करके कमियां निकाल रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, निंदा चुगली में लगे हुए हैं, इसका मतलब है आप एक सांप के समान है जिसके ऊपर मणि है, दिखते सुंदर है बस, अब पर आप जब काटते हैं तो बहुत दुख होता है, लोग मर भी जाते हैं, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आचरण करने वालों को तो देखना पड़ेगा गलत आचरण नहीं करना है, तो उसके ऊपर की अथॉरिटी उसको देखेगी गलत आचरण कर रहा है कि सही कर रहा, राइट? लेकिन आपको ये देखना है कि नहीं, मेरे को दिख रहा, हो सकता है सही ना हो, हमें ये करना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो समाज सुरक्षित रहता है, वह गलत ना करें और हमें दूसरे में गलत होता हो देखे ना, तब समाज सुरक्षित है। लेकिन जब समाज कब सुरक्षित नहीं होता है, जब जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं, कम बुद्धि के लोग होते हैं, वो निंदा चुगली में समाज को दूषित कर देते हैं, वहाँ पर ना हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। जहाँ पर प्रशंसा है, जहाँ पर आपस में भगवान के नामों के गुणगान है, वो स्थान अच्छा लगता है। और मैंने कई बार बताया भी आपको, चुगली को किसी किसकी करता है, किसी किससे जाके करता है चुगली? जो चुगली सुनता हो वो भी चुगल गोर होगा। हाँ,
दोनों एक ही लेवल के होंगे ना, चुगली उसी के साथ करते हैं, दूसरा भी चुगल खोर होगा, उसको भी मज़ा आता है चुगली सुनने में, वो इंतजार करता रहता है कि कब दोपहर होगा, मेरे परम प्रिय मित्र आएंगे मेरे साथ चुगली करेंगे, उनको बताएंगे, है ना। वो देख एनालिसिस ये भी है, अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं, महान समझने लगते हैं। जैसे एक स्थान पर एक मैं देखा, एक रेस्टोरेंट में एक ब्रह्मचारी बैठे हुए, सन्यासी बैठे हुए, सन्यासी थे बेसिकली, ब्रह्मचारी नहीं थे, अकेले, और दो स्त्रियां बैठकर वो कुछ प्रश्न पूछ रही है। तो रेस्टोरेंट में, गोविंदा रेस्टोरेंट में, तो मैं नीचे आ रहा था सीढ़ियों से, तो एक माता जी आई, बोलते प्रभु जी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब क्या हो रहा है? सन्यासी देखो अकेले माता जी से बात कर रहे हैं। बोला आपको क्या दिक्कत है, आप भी बात करना चाहते हैं, आपसे बात नहीं कर रही है, दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? बोलती ऐसा करना चाहिए क्या? बोला आप कोई सिद्धांतवादी हो, आप उनके गुरु हो, आप कौन हो, अथॉरिटी हो, कौन हो आप? बोले कि प्रभु जी गलत तो है ना। बोला संसार में इतना सारा गलत हो रहा है, यही क्यों दिख रहा गलत, और आप क्या गलती नहीं करती हैं? आपने कभी जीवन में कोई गलती नहीं की? सबसे पहली गलती तो यही की, दोष देखा है। तो हमारा समस्या क्या है, हम खुद गलती कर रही, गलतियां कर रहे हैं, पर देखते हैं आमने सामने कोई छोटी सी भी गलती नहीं, गलती कैसे हो गया, ऐसे फंस जाते हैं। जूनियर सीनियर के अंदर कमी नहीं निकाल सकता, गलती कर रहा हो तब भी, राइट। जैसे मान लीजिए पुलिस थाने में गए, कंप्लेन निकाली, फलाना भाई घर में लड़ाई हो रही है, तो वो बोले जाकर देखते हैं, और फिर दूसरे दिन पहुंच गया, भाई आपने कुछ किया कि नहीं किया, पुलिस को बोल रहे हैं, भाई हम अपना काम कर रहे हैं, तुम इतना हीरो क्यों बन रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है, सरकार चलाना है, हम लोग नागरिक हो, आप सुरक्षा काम क्यों नहीं कर रहे हो? पुलिस को चार बार बोलोगे तो भी गांजा वांजा पकड़वा देगी, आपके अंदर कुड़ी डाल देगी कि गांजा बेच रहा था, राइट। तो पुलिस को मत सिखाइए क्या करना है, अथॉरिटी को बताइए, अथॉरिटी एक्शन लेगी नहीं लेगी इट डजंट मैटर, आपका ये काम नहीं है, आपका काम इतना ही था बताना। अच्छा दूसरी बात है, कभी कभी ये होता है कि आप क्या बहुत बड़े न्यायाधीश हो, आप बहुत बड़े जजमेंट निकालने वाले जो ये सब सूचना लेके चले गए थे। तो चित्रकेतु को देखना चाहिए कि चित्र मैं जूनियर हूँ और शिव जी सीनियर है, कुछ सही करूँ। एक दृष्टि है जो कि यहाँ बोले तेजी ये शाम ना दोष आया, यानी कि उसे निर्दोष मानना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, शिवजी सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे, फिर भी उनकी आलोचना ना करना चाहिए, क्योंकि शिवजी हैं, उनका पद नीचे, बोल रहे ना पीएचडी वाला फेल होगा कुछ नहीं होने वाला, पीएचडी में रहेगा वो नीचे नहीं आएगा कोई, ऐसे क्या 10 बार फेल होकर पीएचडी वाला क्लास वन में आ गया, ऐसा होता है? ऊपर ही रहेगा। आप अपना सोचो, जो 5वीं पास हो गए तुम उछल रहे हो। तो इसलिए लिख रहे हैं किसी को सूर्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या, अरे देखो देखो ये सड़क के मूत्र को सुखा रहा है सूर्य कहीं का, ये शुद्ध कर रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे, कई बार होता है जैसे वो सन्यासी हैं, हो सकता है कुछ ऐसा गाइडेंस दे रहे हो माता जी को जो उसको कहीं फेथ नहीं है। फिर मैं गया वो रेस्टोरेंट में देखने के लिए जो मुझे भेजा गया था, मैं खड़ा देखा और चला गया, पता महाराज मुझे बुलाए, बोले ये दोनों स्त्रियाँ, एक स्त्री इसमें से सुसाइड करने वाली थी, तो मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, बोलते ये मरने वाली थी और उसका अंतिम मैं ही व्यक्ति था जो मैं उसको बचा सकता हूँ, उनको लगता है, उस स्त्री को ही लगता है कि मुझे बचा पाएंगे, मुझे गाइडेंस देंगे, इसलिए मैं अलग से बुला के उसको बात कर रहा था। तो देखने में कितना गलत लग रहा था, पर यहाँ पर कितना सही है ना, वहाँ पर आवश्यक है निदांत। जैसे उदाहरण बताता हूँ, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक स्थान पर एक गुरु और शिष्य दोनों जाते रहते हैं, गुरु बड़े महान प्रतापी व्यक्ति हैं, तो शिष्य तो उतना तेज नहीं था, लेकिन साथ में रहता था, शिष्य तेज नहीं था, गुरु शिष्य जाते रहते तो नदी के पास पहुँचते हैं, नदी को कैसे पार करेंगे,
तो वहाँ एक स्त्री रहती है, तो वो बोलती है कि मैं पार करा दूँ आपको स्वामी जी। तो बोलते हैं बढ़िया, अगर पार करा दे सामने भगवान जी का मंदिर दर्शन कर पाऊँगा। तो वो स्त्री के कंधे पर बैठ जाते हैं, कंधे पर बैठ के सन्यासी वो बेचारी तैर तैर के ले जाती है और वहाँ पहुँचते हैं, उतर जाते हैं। इसको आता था तैरना, शिष्य को तैर के पहुँच गया और तैरते तैर उसके बाद चले, कपड़ा वपड़ा जैसे ठीक किया और स्त्री को धन्यवाद दिया और चले गए। चलते रहे चलते रहे, मंदिर में पहुँचे, मंदिर पहुँच कर माला वाला चैंटिंग वेंडिंग दर्शन वर्शन सब किया, प्रसाद उसाद लिए। मसाज करते समय शिष्य पूछ रहा है, गुरुदेव प्रश्न पूछूं? पूछो। आप स्त्री को कैसे स्पर्श कर सकते हैं, सन्यासी हो गए। बोले स्त्री को तो मैंने वो नदी के पास ही छोड़ दिया था, तुम स्त्री को अभी तक लेकर घूम रहे हो। तो स्त्री का कॉन्शियसनेस है वो हम लोग लेके घूमते। जो व्यक्ति आत्मान मन्यते जगत, जिसके अंदर व्याभिचार होगा, जो स्त्री व्याभिचारिणी होगी ना, वो हर व्यक्ति को यही दृश्य देखेगी, वो दोनों बात कर रहे हैं लड़का लड़की, गड़बड़ होगा, क्योंकि खुद ही चोर हो, खुद ही चोरी 50 चोरी कर चुके हो, है ना। जैसे कोई मान लीजिए बस में ना किसी व्यक्ति से सट कर कोई खड़ा है, तो चोर पता क्या सोचता है, ये भी चोर होगा पक्का, इसलिए सट के खड़ा कुछ निकाल ले, समझे बात। तो खुद ही वो स्त्री व्याभिचारिणी है, उसने कभी ना कभी ना कभी जीवन व्याभिचार किया है, तो हर चीज़ व्याभिचार दिख रहा है। साधु को नहीं दिखता, जो शुद्ध हृदय का रहता है ना उसको नहीं दिखता है, उनको लगता है कुछ जरूरी काम होगा जी, हमें क्या करना है, हमें क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी, इतना सरल होता है। और ऐसे कैसे हो सकता है, अनर्थ हो गया, ऐसे जो करते हैं लोग ना, वो खुद कहीं ना कहीं कुछ कांड कर रहे हैं। हाँ वो सब कांड ही होते हैं, उन्हीं लोग शोर मचाते हैं। अभी देख रहे हो भारत में जो कांड मचा रहे हैं शोर, कि देश खराब है, देश डूब रहा है, सत्यानाश हो रहा है, वो सब लोग कुछ कांड ही लोग हैं, उनको तो पच नहीं रहा। थर्ड क्लास के लोग क्या सोचते हैं, अच्छा व्यक्ति में 100 गुण भी हो, एक कमी उसे भी निकाल कर उसको बर्बाद कर दे, जिंदा चुगली में लग जाएंगे। तो इसलिए वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया था निर्जित आत्मन अभिमानी नहीं, यानी चित्र को तो अपने आप को बड़ा मान रहे थे इसलिए कमी देख रहे थे। देखिए आप कमी किस पे देखते हो, ये सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ या इम्परफेक्ट है, तभी कमी देखते हो ना। आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, तो दूसरे कमी दिखेगी, कभी नहीं देखेगी। अपने अंदर कमियाँ देखने वाला वैसी बेचारा हालत खराब होगी उसके अंदर, अपने आप को बोल रहा मैं पता नहीं क्या बुरा आदमी हूँ, कमी देखना तो बेकार ही दूसरे के अंदर। छलनी बोल रही है सुई से, हाँ शरीर में छेद है, कौन बोल रही है, छलनी में तो छेद ही छेद है। पूरे गलतियों का कमियों का पुलिंदा है, कट्टा बोलते हैं ना, कट्टे में भरा हुआ है उसका, और बोल रही है इसके अंदर एक कमी है,